तुझे फायदा ना हो, तेरा जादू का असर खत्म ना हो, तेरे कारोबार में तरक्की ना हो, तेरे बच्चे ठीक और सही सलामत ना रहे, तो 1,00,000 रुपए जुर्माना भरूंगा जा। तो देखा आपने, बड़ी जिम्मेदारी से 1,00,000 रुपए का जुर्माना देने की बात कर रहे हैं मौलाना। तो भाई लोगों, इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, हर मुसलमान के लिए बहुत ही जरूरी है ये वीडियो। अगर इसको पूरा समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जिंदगी सवर जाएगी। अगर अब आपको फायदा हासिल करना है तो वीडियो में आखिर तक बने रहे, इंशाल्लाह आखिर में मुलाकात होती है आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं भाइयों। आज अक्सर बेशतर देखा जाता है कि नौजवान परेशान नजर आते हैं। कोई कहता है मेरा दिल घबरा रहा है, कोई कहता है मेरा मन नहीं लगता, कोई कहता है मैं नमाज पढ़ता हूं तो नमाज पढ़ने में बिल्कुल मुझे इंटरेस्ट नहीं है, नमाज पढ़ने में दिल नहीं लगता। यार इबादत में दिल नहीं लग रहा मेरे भाई, इसकी वजह क्या है? कोई कहता है कि मुझ पर जादू का असर है, कोई कहता है मेरे घर में, मेरी दुकान में, मेरे मकान में बरकत नहीं है, कारोबार बिजनेस बिल्कुल चौपट हो चुका है, बिल्कुल बंद हो चुका है, खत्म हो चुका है, ना जाने किसी ने क्या करा रखा है, कारोबार की बंदिश करा रखी है, बिजनेस को बंद करा रखा है, आखिर ये सारी बातें क्यों है? कोई किसी का कारोबार बंद नहीं करा रहा है, कोई किसी का बिजनेस बंद नहीं करा रहा है। ये सारी जो परेशानियां दिक्कतें जो हमारे सामने आ रही हैं मेरे दोस्तों, ये फकत हम अपनी ही गलतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं। हमारी जो तबाही और बर्बादी, आज तबाही और बर्बादी जो हमारा मुकद्दर बन चुकी है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम इबादत इलाही से, अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह के कुरान से हम इतने दूर जा रहे हैं, इतने दूर भाग रहे हैं कि बस हमें फालतू बातें करने का हमारे पास पूरा पूरा टाइम है। चौराहों पर बैठ जाएं, तिराहों पर बैठ जाएं, सड़कों पर बैठ जाएं, मोबाइल चला रहे हैं पूरा पूरा दिन, अगर रात के 12 भी बज गए तो हमें एहसास नहीं है कि हमें टाइम कितना हो चुका है। हमें जल्दी सोना है, सुबह को फजर के वक्त उठना है, अल्लाह की इबादत करनी है, कुछ पता नहीं। आज हम कहते हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं है, हमारे कारोबार में तरक्की नहीं है, हम बीमार रहते हैं, दिल घबराता है, मन घबराता है, तबीयत खराब रहती है, हालात खराब रहते हैं, घर में बीवी बच्चे परेशान हैं। अरे यार, बीवी से कहो कि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना शुरू कर दे। मेरे दोस्तों सुन रहे हैं ना, मेरी बात पर तवज्जो दे रहे हैं आप। अपनी औरत से कहो कि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाना पकाए, बच्चों को जब खाना खिलाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की उन बच्चों को तलकीन करे। मेरे दोस्तों, मैं आपको जो जरूरी पैगाम है वो मैं आपको बताता हूं। वीडियो आपको पूरी देखनी है, बीच में से कट नहीं मारना है आपको। देखो, जो काम की बात है वो आप सुन ले गौर से, इंशाल्लाह आपके हर हर मोड़, हर हर मकाम पे आपके ये बात काम आने वाली है। जो लोग कहते हैं कि हम पे जादू करा दिया है, इंशाल्लाह वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाना खाना शुरू कर दें, बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पीना शुरू कर दें, हर अहम काम, जायज काम बिस्मिल्लाह से शुरू करें, इंशाल्लाहुल अजीज मेरे रब ने चाहा तो दिल नहीं घबराएगा, नमाज में तबीयत लगेगी, दिल हर वक्त हमेशा खुश रहेगा, घर में बरकतें ही बरकतें होंगी। बिस्मिल्लाह के अंदर अल्लाह ने वो ताकत रखी है, वो पावर रखी है, वो फजीलत इसको अता फरमाई है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खल्लाक कायना जल मजदुहुल करीम के 3,000 नाम है। गौर से सुनो मेरे दोस्त, सुने ना, देखो मेरी बात गौर से सुनो कि अल्लाह के 3,000 नाम है। गोया के जो बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को 3,000 नामों के साथ पुकार लेता है। अल्लाह किस कदर खुश होता होगा बिस्मिल्लाह पढ़ने वाले से, जरा सोचो। आइए मैं एक ऐसे शख्स की बारगाह में लेके चलता हूं, तबारीखों में जिनका नाम आता है, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी बारगाह में कुछ कुफ्फार और मुशरिकीन आए, कुछ ऐसे लोग आए जो इस्लाम से खारिज थे, मुसलमान नहीं थे। कुफ्फार और मुशरिकीन आए, कहने लगे
ए खालिद बिन वलीद, अगर इस्लाम सच्चा मजहब है, कुरान अल्लाह का सच्चा कलाम है, पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे और रसूल हैं, तो हमें कोई ऐसी इस्लाम की बात दिखाओ कि जिससे क्या हम इस्लाम को सच्चा और कुरान को सच्चा मानने पर मजबूर हो जाएं। हमें कोई ऐसी बात दिखाओ जिससे कि इस्लाम की हकानियत के आगे हम अपना सर झुकाने के लिए मजबूर हो जाएं। ऐसी कोई बात दिखाओ। देखो बिस्मिल्लाह की फजीलत देखो। हजरत खालिद बिन वलीद ने उन कुफार और मुशरिकीन से कहा कि जाओ कोई कातिल जहर लाओ, ऐसा खतरनाक जहर लाओ जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा खतरनाक जहर है, ऐसा कातिल जहर लाओ। वो लेके आए और हजरत खालिद बिन वलीद ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़कर उस जहर को पी लिया और उस जहर का हजरत खालिद बिन वलीद पर जर्रा बराबर भी कोई असर नहीं हुआ, यानी उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जबकि ऐसा कातिल जहर के इंसान पी ले तो अंदर से उसके जिस्म के कट कट कर टुकड़े टुकड़े होकर सारा अंदर का जितना भी दिल गुर्दे हैं वो सब निकल के बाहर आ जाए, ऐसा कातिल जहर। लेकिन बिस्मिल्लाह आयत रहमत है, जहां पड़ी जाती है अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, जहां पड़ी जाती है अल्लाह की बरकत नाजिल होती है। आज हमने अल्लाह के नाम पाक को भुला दिया, आज हम भूल बैठे हैं, हम इस चीज को भूल बैठे हैं कि हमारे पैगंबर ने हमें कौन सी नसीहत फरमाई है, किस चीज का हुक्म दिया है। काश हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को हम अपना वजीफा बना लें इंशाल्लाह, तो अल्लाह की रहमतें हमारे घरों में नाजिल होना शुरू हो जाएंगी, अल्लाह की बरकतें हमारे घरों में नाजिल होना शुरू हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर 19 हुरूफ हैं, 19। एक खास बात यह भी सुन लो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर 19 हुरूफ हैं। और मेरे दोस्तों जहन्नम के जो तबकात हैं वो भी 19 हैं, और जहन्नम के अंदर जो फरिश्ते अजाब देने वाले हैं वो भी 19 हैं। जरा सोचो, इंशाल्लाह आप बिस्मिल्लाह को पढ़ना शुरू कर देंगे, हर जायज काम पर बिस्मिल्लाह को पढ़ना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह की जात पाक पे भरोसा रखो कि बिस्मिल्लाह के एक एक हरूफ के बदले में अल्लाह जहन्नम के एक एक तबके का अजाब तुमसे दूर फरमा देगा इंशाल्लाह। और जो 19 फरिश्ते अजाब के हैं, अल्लाह आपको इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से एक एक अजाब के फरिश्ते का अल्लाह तुम्हें उन अजाब के फरिश्तों से निजात अता फरमा देगा इंशाल्लाह, और तुम अल्लाह की बारगाह में सुरखरू हासिल कर सकते हो इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से जब हम खाना खाना शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाह को पढ़ें इंशाल्लाह हमारे खाने में बरकत होगी, हमारे दस्तरखान पे बरकत होगी। और हमेशा दस्तरखान पे खाना खाया करें कि दस्तरखान पे खाना खाना ये मेरे और तुम्हारे पूरी कायनात के रसूल की सुन्नत है, और जहां सुन्नत को अदा किया जाता है, एक सुन्नत को जिंदा करने में 100 शहीदों का सवाब मिलता है। गोया के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाना खाओ, एक सुन्नत अदा होगी। दस्तरखान पे बैठकर खाना खाओ, दूसरी सुन्नत अदा हो गई। फिर जब पानी पियो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर और बैठकर और 3 सांसों में सर को ढाक कर पानी पियो, इंशाल्लाह 4 सुन्नतें जिंदा होंगी, और 4 सुन्नतों का सवाब यानी एक सुन्नत को जिंदा करने में 100 शहीदों का सवाब है। और 4 सुन्नतें अगर हम इंशाल्लाह हम अपना मामूल बना लें तो इंशाल्लाह बरकतें ही बरकतें। और ये जो जादू, ये नाकाबंदी, ये तमाम बंदिशें जो कारोबार में रुकावटें आ रही हैं, जरा अल्लाह के नाम पाक शुरू तो करो इंशाल्लाह। तो मेरे दोस्तों आपने मेरी बात को तवज्जो से सुना। ए नौजवान, जब भी मैं ये कहता हूं
कि तू नमाजी बन जा, नमाजी बन जा, पक्का नमाजी बन जा, पंच वक्ता नमाजी बन जा, जमात के साथ पांचों वक्त की नमाज अदा कर और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अपना ले। हर चाइस काम पर बिस्मिल्लाह पढ़ मेरे भाई नौजवान, जा अगर तुझ पे कोई जादू का असर भी है तो इंशाअल्लाह वो जादू का असर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि तू नमाजी बन जा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का आमिल बन जा। और फिर देख अगर तेरे घर में बरकत ना हो, कारोबार में बरकत ना हो, बिजनेस में तरक्की ना हो, तेरे बच्चे ठीक ना रहे, तेरी बीवी तेरी फरमा बरदार ना रहे, तेरी बीवी तेरी ताबेदार ना रहे, तू नमाजी बन जा और बिस्मिल्लाह का आमिल बन जा। जा तेरी बीवी तेरे पैरों को धो धो के पी लेगी, तेरी बीवी हमेशा तेरी गुलाम बन के रहेगी, मगर शर्त यह है तू मेरे रब का फरमा बरदार बन जा, तू अल्लाह का फरमा बरदार बन जा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तू सुन्नतों पर अमल करने वाला बन जा। इंशाअल्लाह जा, अगर तुझे फायदा ना हो, तेरा जादू का असर खत्म ना हो, तेरे कारोबार में तरक्की ना हो, तेरे बच्चे ठीक और सही सलामत ना रहे, तो 1,00,000 रुपए जुर्माना भरूंगा। जा जा मेरे बताए हुए मेरी बताई हुई बात पर अमल कर। हैं, माँ बाप का फरमा बरदार बन यार, माँ बाप का फरमा बरदार बन। अरे जिसके माँ बाप घर में खुश हैं, जिस बेटे से उसकी माँ राजी है, उसका बाप राजी है, तो माँ बाप अपनी औलाद के लिए दुआ कर दें, दुआ कर दें तो बेड़ा पार, बेड़ा पार कारोबार में तरक्की है। कोई माँ अपने बेटे के लिए हाथ उठाकर, अपने बुरगुजीदा हाथों से उठाकर दुआ कर दे तो इंशाअल्लाह बेटे के हक में, औलाद के हक में माँ बाप की दुआ कुबूलियत का दरवाजा खटखटाती है। इंशाअल्लाह जा तू मेरी इन चंद बातों पर अमल करने नौजवान, तुझे किसी हकीम के पास, तुझे किसी तबीब के पास, तुझे किसी डॉक्टर या फिलोसोफर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुझे किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुझे किसी भी ये जो अक्सर देखा है आपने मियाँ लोग इधर उधर बैठे रहते हैं, हैं? अरे नमाज तो एक वक्त की पढ़ते नहीं है, नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ेंगे। नमाज के बारे में अगर सवाल किया जाए कि मियाँ आपने नमाज नहीं पढ़ी, तो कहते हैं कि हम पंज वक्ता नमाज मक्का शरीफ में जाकर पढ़ते हैं। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। जरा सोचो तो सही मेरे दोस्तों, जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता उसके पास हमें जाने की भी इजाजत नहीं है, जाने की इजाजत नहीं है नौजवानों। अरे तुम जा रहे हो यार उनसे तावीजात और डोरी गंडे कराने के लिए, मत जाओ, अल्लाह और उसके रसूल के फरमा बरदार बन जाओ। जाओ इंशाअल्लाह तुम्हें किसी हकीम तबीब डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। ये जमील कादरी कहता है अपने रब्बे पाक की जात पाक पे भरोसा करके कहता हूं नौजवानों, अगर कुछ हासिल करना चाहते हो दुनिया में और आखिरत में, तरक्की चाहते हो, चाहते हो कि कामयाबी कामरानी हमारे कदमों को चूमे, तो इंशाअल्लाह मेरे बताए हुए इन चंद अल्फाजों पर अमल कर लो, मेरी बताई हुई चंद बातों पर अमल कर लो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी सलामत रखेगा इंशाअल्लाह, और आखिरत की मंजिलों में भी अल्लाह तुम्हें यानी अपनी नेमतों से नवाजेगा, और तुम्हें अजाब से बचाकर अल्लाह तुम्हें जन्नत की तरफ ले जाएगा इंशाअल्लाह मेरे दोस्तों। तो बस अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको दोनों जहान की नेमतों से माला माल फरमाए, अल्लाह आपको हज बैतुल्ला शरीफ की सआदतों ज़ियारतों से माला माल फरमाए। बस अब कोई बात नहीं बताऊंगा इंशाअल्लाह। मैंने अपने नौजवान भाइयों के लिए ये वीडियो बनाई है, मेरे नौजवान भाई इस वीडियो को पूरा सुने, पूरा, अगर पूरा नहीं सुना तो इसमें मेरी हक तलफी हो जाएगी। आप इस वीडियो को पूरा देखें
और लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये अपना इस्लामी चैनल है इंशाल्लाह, ये सलमान रजा कादरी के नाम से इस्लामिक चैनल है इंशाल्लाह। सभी नौजवान भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जमील कादरी को दुआओं में याद रखें इंशाल्लाह। खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो देखा दोस्तों, मौलाना ने कितनी अच्छी बात आपको बताई है। अगर आपको फायदा ना हो तो 1,00,000 रुपए का जुर्माना तक देने तैयार है मौलाना, लेकिन फायदा होगा अगर आप इस काम को शुरू कर देंगे। जो भी मौलाना ने बताया है इस पर अमल करना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा, और फायदा ना हो ना आपको तो 1,00,000 रुपए मौलाना से ले लेना आके। लेकिन अगर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इस अमल को करें और फायदा ना हो, क्योंकि अल्लाह की जात बहुत बड़ी जात है, आपको इंशाल्लाह 100% फायदा होगा। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।